डेथ सर्टिफिकेट एक काफी इंपॉर्टेंट लीगल डॉक्यूमेंट होता है जिसकी कई जगहों पर जरूरत पड़ती है, जैसे कि मरने वाले के उत्तराधिकारियों को पेंशन लेने के लिए, मरने वाले के बैंक अकाउंट से नॉमिनी को बैलेंस निकालने के लिए, मरने वाले ने अगर कोई लाइफ इंश्योरेंस करवाया हुआ है तो उसको क्लेम करने के लिए, मरने वाले की अगर कोई प्रॉपर्टी थी तो उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने के लिए भी डेथ सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है। अगर किसी की डेथ हॉस्पिटल में हुई है तब तो डेथ सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराना उस हॉस्पिटल की जिम्मेदारी होता है, वो आपको वहां से मिल जाएगा। लेकिन अगर डेथ हॉस्पिटल के अलावा कहीं और होती है तब आपको खुद से ही डेथ सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना होता है। सो आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल्स में बताने वाला हूँ कि डेथ के बाद 21 दिन के अंदर अंदर आप ऑनलाइन डेथ सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कैसे कर सकते हैं, उसका क्या प्रोसेस रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको एक लिंक दिया है, जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो आप सेंट्रल गवर्नमेंट की वेबसाइट पर आ जाएंगे। ये वेबसाइट कभी कभी काफी बिजी चलती है, ऐसे में आप इसको किसी दूसरे टाइम में यूज कर सकते हैं। जैसे ये अभी मॉर्निंग टाइम है तो अभी ये काफी अच्छी चल रही है। यहाँ पर पहले आपको एक अकाउंट क्रिएट करना होगा, जिसके लिए आप यहाँ राइट साइड में जनरल पब्लिक साइन अप पर क्लिक करेंगे, आपके सामने साइन अप पेज आ जाएगा। यहाँ पर आप एक यूजर नेम डालेंगे जो भी आप रखना चाहते हैं, जैसे कि यहाँ पर मैं डाल देता हूँ ईशान मॉनिटर। यहाँ पर आपको एक ईमेल आईडी डालनी होगी, यहाँ पर एक मोबाइल नंबर डालना होगा और यहाँ पर आपको डेट ऑफ इवेंट डालना होगा कि डेथ कब हुई है। यहाँ पर आप अपना स्टेट चूज कर लेंगे, जितने स्टेट्स के भी यहाँ पर नाम दिए गए हैं उन स्टेट से आप यहाँ पर डेथ सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम यूपी चूज कर लेते हैं, डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पर हम डिस्ट्रिक्ट चूज कर लेते हैं और यहाँ पर सब डिस्ट्रिक्ट जिसको कॉन्स्टिट्यूएंसी भी कहा जाता है वो आप चूज कर लेंगे और यहाँ से आप अपने गांव या कस्बे का नाम चूज कर लेंगे। सभी की लिस्ट यहाँ पर दी गई है, नीचे यहाँ पर रजिस्ट्रेशन यूनिट का नाम आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आप ये कैप्चा कोड फिल करेंगे, जैसा लिखा हुआ है वैसा ही बस आपको यहाँ पर ये टाइप कर देना है और इसके बाद आपको रजिस्टर पर क्लिक करना है। यहाँ पर देखिए अकाउंट रजिस्टर हो चुका है। इसके बाद इस अकाउंट को एक्टिवेट करने के लिए आप अपने जीमेल में लॉगिन करेंगे, तो यहाँ पर देखिए इस तरह से आपको एक ईमेल मिलेगा, आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये आपकी लॉगिन आईडी है, आप इसको यहाँ से कॉपी कर लीजिए और यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप अपनी यूजर आईडी डाल देंगे और यहाँ पर आपको एक पासवर्ड चूज कर लेंगे, आपका पासवर्ड स्ट्रांग होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पर आप एक कैप्चा फिल करेंगे, अगर कैप्चा आपकी समझ में नहीं आता है तो आप यहाँ रिफ्रेश बटन पर क्लिक करके दूसरा कैप्चा भी ले सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा। इसके बाद बस आपको यहाँ अपना यूजर आईडी और पासवर्ड डालकर और ये कैप्चा डालकर लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद यहाँ पर देखिए डेथ का एक ऑप्शन दिया गया है, आप यहाँ ऐड डेथ रजिस्ट्रेशन इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने पूरा एक फॉर्म आ जाएगा, आपको ये फॉर्म फिल करना है। यहाँ पर आप प्राइमरी लैंग्वेज चूज कर लेंगे, जिसमें आप हिंदी इंग्लिश कोई भी लैंग्वेज चूज कर सकते हैं, और यहाँ पर आप सेकेंडरी लैंग्वेज चूज कर लेंगे, इससे आपको ये दोनों लैंग्वेजेस में मिलेगा। सबसे पहले यहाँ पर आप रिपोर्टिंग डेट डाल देंगे, आप रिपोर्ट कब कर रहे हैं, मतलब आप डेथ के बारे में कब बता रहे हैं। तो जैसे कि यहाँ पर हम आज की ही डेट डाल देते हैं। यहाँ पर आप डेथ की डेट चूज कर लेंगे, डेथ कब हुई है, जैसे कि हम 8 अप्रैल यहाँ पर चूज कर लेते हैं। यहाँ पर आप मरने वाले का जेंडर चूज करेंगे, यहाँ पर उसकी एज आप चूज करेंगे कितने इयर्स थी। यहाँ पर आप उसका फर्स्ट नेम डालेंगे, यहाँ पर मिडल नेम डालेंगे और यहाँ पर लास्ट नेम डालेंगे। अगर उसका कोई आधार नंबर है तो वो आप यहाँ पर डाल देंगे। इसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पर आप प्लेस चूज करेंगे, डेथ कहाँ पर हुई है। यहाँ से आप घर या फिर कोई दूसरी जगह चूज कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर हम घर चूज कर लेते हैं। अब यहाँ पर आपको घर का पूरा एड्रेस डालना है जहाँ पर ये डेथ हुई है। इसके बाद आप नीचे आएंगे, मरने वाले की अगर कोई वाइफ या हस्बैंड था तो आप उसकी डिटेल्स यहाँ पर डालेंगे, उसका फर्स्ट नेम, मिडल नेम और लास्ट नेम। यहाँ पर उसका आधार नंबर, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर डाल दीजिए और यहाँ पर आप एज डाल दीजिए। लेकिन अगर मरने वाले का कोई हस्बैंड या वाइफ नहीं था तो आप इसको ब्लैंक छोड़ दीजिए। नीचे आएंगे, यहाँ पर आपको मरने वाले के फादर का नाम डालना होगा, फर्स्ट नेम, मिडल नेम, लास्ट नेम, और नीचे यहाँ पर आप आधार नंबर, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर भी डाल दीजिए। इसके बाद नीचे यहाँ पर आपको मरने वाले की माता का नाम डालना होगा, फर्स्ट नेम, मिडल नेम और लास्ट नेम, और नीचे यहाँ पर आधार नंबर, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर। अगर आपके पास ईमेल आईडी नहीं है और आधार कार्ड नहीं है तो आप इनको ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। इसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पर आप मरने वाले का पूरा एड्रेस डालेंगे, अगर वो इंडिया में रहता है तो इन इंडिया और अगर इंडिया से बाहर रहता है तो आउटसाइड इंडिया। यहाँ पर हम इन इंडिया चूज करके पूरा एड्रेस यहाँ पर आप डाल देंगे। यहाँ पर बिल्डिंग का नेम, यहाँ पर घर का नंबर, सड़क का नाम, यहाँ पर पोस्ट ऑफिस, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, सब डिस्ट्रिक्ट और गांव या कस्बे का नाम और नीचे यहाँ पर पिन कोड। इसके बाद नीचे यहाँ पर आप मरने वाले का परमानेंट एड्रेस डालेंगे,
अगर परमानेंट एड्रेस और करंट एड्रेस दोनों सेम है तो बस आप यहाँ पर टिक कर दीजिए, ऊपर का पूरा एड्रेस नीचे पेस्ट हो जाएगा। लेकिन अगर मरने वाले का परमानेंट एड्रेस कोई और है, जैसे कि वो किसी गांव से है, तो यहाँ पर उसका पूरा एड्रेस डाल देंगे। अब नीचे आएंगे, यहाँ पर इस फॉर्म को कौन फिल कर रहा है, मतलब इन्फॉर्मेशन देने वाला कौन है, उसका आप यहाँ पर नाम डालेंगे और उसका पूरा एड्रेस डालेंगे और यहाँ पर उसका आधार कार्ड नंबर और पिन कोड डालेंगे। इसके बाद यहाँ पर डिक्लेरेशन करेंगे और सेव पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद आपके सामने ये पेज आ जाएगा, यहाँ पर आप मरने वाले का स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, सब डिस्ट्रिक्ट और उसके गांव कस्बे का नाम चूज कर लेंगे, जो कि पहले से ही चूज किया हुआ है। और यहाँ पर आप ये चूज कर लेंगे कि मरने वाला गांव से है या फिर कस्बे से है। अगर वो किसी कस्बे से है तो टाउन चूज करेंगे, और अगर गांव से है तो ऑलरेडी यहाँ पर विलेज चूज है। इसके बाद यहाँ पर आप मरने वाले का रिलीजन चूज करेंगे और यहाँ पर आप ऑक्यूपेशन, उसका काम चूज करेंगे, वो काम क्या करता था। अब यहाँ पर आपको चूज करना होगा, मरने से पहले क्या कोई मेडिकल अटेंशन थी, यानी किसी डॉक्टर को दिखाया था या नहीं। तो यहाँ पर हम नो मेडिकल अटेंशन चूज कर लेते हैं। क्या इसको मेडिकली सर्टिफाइड किया गया है, यहाँ से आप यस नो कर सकते हैं। और नीचे यहाँ पर आप मौत का असली रीजन लिखेंगे कि वो क्यों मरा है। यहाँ पर काफी सारी बीमारियों के नाम दिए गए हैं, आप वो चूज कर सकते हैं। लेकिन अगर उसने सुसाइड की है तो आप यहाँ सुसाइड भी चूज कर सकते हैं। और अगर आपको रीजन नहीं पता है तो आप यहाँ नॉट स्टेट चूज कर लेंगे। क्या वो स्मोक करते थे, अगर करते थे तो कितने सालों से करते थे, वो आप यहाँ पर डाल देंगे। अगर तंबाकू खाते थे तो कितने साल से तंबाकू खाते थे, वो आप यहाँ पर डाल देंगे। पान मसाला या कोई भी सुपारी अगर खाते थे तो कितने सालों से खाते थे, वो आप यहाँ पर डाल देंगे। अगर वो शराब पीते थे तो कितने सालों से पीते थे, वो आप यहाँ पर डाल देंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको एक फाइल अपलोड करनी होगी, जिसमें आप यहाँ मरने वाले का एड्रेस प्रूफ अपलोड कर सकते हैं। अगर आपको कोई और रिमार्क देना है तो वो आप यहाँ पर देंगे और इसके बाद आप सेव पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद आपके सामने पूरा फॉर्म आ जाएगा, जितनी भी डिटेल्स आपने फिल की है वो सब आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ मिस्टेक है तो आप यहाँ एडिट पर क्लिक करेंगे और उसको सही करेंगे। लेकिन अगर आपको लगता है कि सब कुछ बिल्कुल सही है तो आप यहाँ सबमिट पर क्लिक करेंगे और आपका ये फॉर्म सबमिट हो जाएगा। सबमिट पर क्लिक करने के बाद यहाँ इस तरह से ही शो होगा, लेकिन आपका फॉर्म सबमिट हो चुका है। इसके बाद आप CRS की वेबसाइट पर जाएंगे, यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ CRS, यहाँ पर हम लॉगिन कर लेंगे। यहाँ पर ये कैप्चा फिल करेंगे, जैसा लिखा हुआ है वैसा ही आप टाइप कर देंगे और लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद डेथ में आप जाएंगे, यहाँ पर देखिए प्रिंट रिपोर्टिंग का एक ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप अपने फॉर्म को प्रिंट कर लेंगे। इस तरह से फॉर्म आपके सामने आ जाएगा। ये दो पेजेस का फॉर्म है, यहाँ पर आपकी पूरी डिटेल्स जो आपने फिल की है, और नीचे यहाँ पर रजिस्ट्रार का पूरा एड्रेस आ जाएगा जहां पर आपको ये फॉर्म सबमिट करना है। तो यहाँ पर आप डाउनलोड बटन पर क्लिक करके इसको डाउनलोड कर सकते हैं अपने कंप्यूटर में, और प्रिंट पर क्लिक करके आप इसको डायरेक्ट प्रिंट कर सकते हैं। चलिए हम यहाँ पर इसको डाउनलोड कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए फॉर्म हमने डाउनलोड कर लिया है, अब आप इसको प्रिंट कराएंगे, किसी भी शॉप से आप प्रिंट करा लेंगे अगर आपके पास प्रिंटर नहीं है। और इसके साथ आप मरने वाले का एक एड्रेस प्रूफ लगाएंगे, जिसमें आप आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, राशन कार्ड, कोई भी एक प्रूफ लगा सकते हैं। और आपको इसके अलावा दो लोगों का डिक्लेरेशन लेना है, वो दोनों लोग रिलेटिव्स भी हो सकते हैं या फैमिली मेंबर भी हो सकते हैं। तो आपको यहाँ पर डिक्लेरेशन फॉर्म भी मैंने दे दिया है, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ इसको फिल कैसे करना है। देखिए ये है डिक्लेरेशन फॉर्म, यानी कि दो विटनेस बनेंगे जो बताएंगे कि हाँ ये पर्सन मरा है। तो यहाँ पर पहले विटनेस का नाम आ जाएगा, विटनेस का फादर नेम आ जाएगा, यहाँ पर विटनेस का पूरा एड्रेस आ जाएगा। नीचे यहाँ पर वो डिक्लेरेशन देगा कि हाँ ये पर्सन मरा है, तो मरने वाले का नाम यहाँ पर आ जाएगा, और यहाँ पर उसकी वाइफ या फादर का नेम आ जाएगा, और यहाँ पर मरने वाले का एड्रेस आ जाएगा। नीचे यहाँ पर आ जाएगा फादर नेम मरने वाले का, मदर नेम मरने वाले का, और यहाँ पर मरने वाले की वाइफ का नाम। और नीचे आएंगे तो यहाँ पर जो इस फॉर्म को फिल कर रहा है, मतलब कि फर्स्ट विटनेस है, वो यहाँ पर अपना पूरा नाम डालेगा, और यहाँ पर वो रिलेशन बताएगा कि मरने वाले से उसका क्या रिश्ता है, मोबाइल नंबर डालेगा, ईमेल आईडी डालेगा, और यहाँ पर एक सिग्नेचर कर देगा। तो ये फॉर्म फिल हो जाएगा, इसको भी आप उसके साथ अटैच करेंगे। इसी तरह से एक और पर्सन से आप इसको फिल करवाएंगे, मतलब विटनेस टू, वो यहाँ पर अपना नाम डालेगा, यहाँ पर अपना फादर नेम, यहाँ पर एड्रेस, यहाँ पर मरने वाले का नाम, मरने वाले की वाइफ का नाम, और यहाँ पर एड्रेस, नीचे यहाँ मरने वाले का फादर नेम, मदर नेम, और उसकी वाइफ का नेम। नीचे यहाँ पर सेकंड विटनेस अपना सिग्नेचर करेगा, यहाँ पर अपना फुल नेम, और यहाँ पर मरने वाले के साथ उसका क्या रिश्ता है वो डाल देगा, यहाँ पर मोबाइल नंबर, और यहाँ पर ईमेल आईडी डाल देगा। ये फॉर्म यहाँ पर फिल हो जाएगा। तो इस तरह से आपको दो डिक्लेरेशन फॉर्म और एक ई फॉर्म, जो कि हमने अभी अभी यहाँ ऑनलाइन फिल किया है, प्रिंट करेंगे, और इसके साथ आप मरने वाले का कोई भी एड्रेस प्रूफ लगाकर इसको रजिस्ट्रार के यहाँ पर जमा कर देंगे। रजिस्ट्रार का पूरा एड्रेस यहाँ पर दिया गया है, इसी एड्रेस पर जाकर आप इसको जमा कर देंगे।
जमा करने के बाद आपने जो भी ईमेल आईडी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते समय डाली थी, उसी एप्लीकेशन पर आपको स्टेटस पता चल जाएगा और आप रजिस्ट्रार के यहाँ से ही डेथ सर्टिफिकेट को हासिल कर सकते हैं। डेथ के बाद 21 दिन के अंदर अंदर ही आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर आप 21 दिन के बाद अप्लाई करना चाहते हैं तब आपको ऑफलाइन में अप्लाई करना होगा, जिसके लिए आपको फॉर्म 2 फिल करना होगा, जिसका लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप फॉर्म 2 फिल करेंगे, उसके साथ आप वही डिक्लेरेशन यानी 2 विटनेसेस के फॉर्म अटैच करेंगे और उसके साथ आप मरने वाले का कोई एड्रेस प्रूफ लगाकर रजिस्ट्रार के यहाँ पर जमा कर देंगे। 21 दिन के अंदर अंदर अगर आप डेथ सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करते हैं तो आपसे कोई भी पैसा नहीं लिया जाएगा, लेकिन अगर आप 21 दिन के बाद ऑफलाइन में अप्लाई करते हैं तो आपसे लेट चार्ज लिया जाएगा, जो कि अलग अलग स्टेट के हिसाब से अलग अलग होता है। सो आई होप कि वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और अगर आपके मन में कोई कंफ्यूजन है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं।